से गरीबों को मिटा दूंगी, हर किसान को ऊपर पहुंचा दूंगी। इंडिया के किसानों की चैरिटी करने आई है एक मिस वर्ल्ड। अब इंडिया के खेतों में क्या क्या होता है बिचारी मिस वर्ल्ड को क्या पता, और उसे इंडियन खेतों का असली रंग दिखाने आ गया है किसान कपिल। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी अंकिता एज मिस वर्ल्ड एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। Hello everyone. Hello Archana ji. Hello. Hello Sohil. I'm Miss World, Miss Ankita. Hey, buddy, I Miss Word. तू है Miss Word. इतने word miss करती है ना Archana ji, ऐसी लड़कियाँ होती यहाँ से 3-3 lakh लेती हैं, घर पे जाके देखो इनकी लाल टेल में तेल नहीं होता. Shut up. वैसे एक बात कहूँ, मिस वर्ल्ड बनने के बाद मुझे कोई ज्यादा फायदा ही नहीं हुआ। तब मेरे को कौन सा फायदा हो गया 4-4 सीजन जीतने का? मेरी कौन सा जेनिफर लोपेज के साथ जोड़ी बन गई, तेरे साथ ही करना पड़ रहा है। लेकिन अर्चना जी आपको एक बात तो पता ही नहीं, मिस वर्ल्ड बनने के बाद मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक्चुअली जब मैं मिस वर्ल्ड बनी ना तो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे पैसे जो जीतूंगी ना वो गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं करता है पैसे देने का। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, मैं गरीब को पटाऊंगी, उसे 1 लाख रुपया दूंगी और उसको बोलूंगी कि कहना मैंने 10 लाख रुपए दिए। पर यहाँ कोई गरीब तो नजर नहीं आ रहा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, हो शीला थक गई होगी सुबह से। फिर क्या हुआ, शीला जवान है, थक तो जाता ही आदमी। शीला तू इधर ठहर, थोड़ी देर बाद तेरा दूध निकाल के तेरे को चाय पिलाता हूँ। तेरे को बाहर का दूध पसंद नहीं है ना, कल पैकेट वाला दूध पी के गुआ कर रही थी। एक्सक्यूज मी। यस। हाय। हे। आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? मैं भी तो गरीब हूँ। हम लोग तो आलू वाला पराठा बनाते, पराठा बना के आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि पराठा तो बन गया, अब क्या फायदा। एक्सक्यूज मी। यस। हाय। हे। आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? मैं भी तो गरीब हूँ। हम लोग तो आलू वाला पराठा बनाते, पराठा बना के आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि पराठा तो बन गया, अब क्या फायदा। फिर वही आलू को निकाल के समोसे में डालते, समोसा बन जाता, फिर आलू निकाल लेते, समोसा तो बन गया, क्यों आलू वेस्ट करें। नो, मेरा मतलब तुम कहना समझ नहीं रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ मैं यहाँ चैरिटी करने आई हूँ। चैरिटी? ओके ओके ओके, ऐसा करो इधर पीछे जाके कर लो। पता क्या है, इधर से आदमी निकलते हैं ऊपर से मक्खियां हो जाती, पता क्या है। आप लेट हो गई, हम लोग तो सुबह सुबह चैरिटी कर लेते हैं। 8 बजे तो हम लोग खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं, 2 बजे तक तो दोबारा चैरिटी का मूड हो जाता है। पता मैडम, हम लोग देखो वो हंस रही है ना, उनका बनता है, जब वो तुम हंसते वो हंसती है, चुप रहा करो। देखिए मैडम, चैरिटी का पता क्या है, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन चैरिटी खुल के करते हैं। गरीब आदमी को काम ही क्या, खाओ पियो चैरिटी करो। एक सेकेंड, आप चैरिटी मतलब? तू मुझे ब्रर करके ओरिजिनल कर दिया कर बात को। मैं बात को कवर कर रहा हूँ। चुप रहे जी। चैरिटी मतलब गरीबों को दान देना, मैं दान देने आई हूं। तो मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा मर्सिडीज में हूँ, मेरी BMC है, आपके BMW का लोगो लगा भैंस पे। अभी ये पंच मारा था ना, तो देखो एक ही पंच बार बार यूज कर रहा हूँ, और गरीबी क्या होती है। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं। आई एम फ्रॉम रशिया। रशिया? रशियन? 15,000। एक्सक्यूज मी, कितनी
सोच है आपकी। आप इंडिया बहुत गंदा है। इंडिया इज अ बैड कंट्री। अरे नहीं, इसमें गंदे वाली कौन सी बात है मैडम, हम भी आपकी तरह इंसान है। No. आप खाते पीते, हम भी आप खाते पीते। वैसे एक बात बताओ, रशिया में आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते? ब्रश। मैंने तो सुना था टिश्यू पेपर, ब्रश से प्रॉब्लम नहीं होता? मेरा मतलब है टूथ ब्रश। वैसे टिश्यू पेपर तो हम भी यूज करता, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करता। इंडियन लोग ना मसाला वाला फूड खाता, टिश्यू पेपर आग पकड़ लेता। और शारा, देखो अब मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बहुत सारा। ओके। लेकिन तुम्हें सब कुछ अपने बारे में सच सच बताना होगा। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, खेती करता हूँ मैडम। खेती? या एक सेकेंड, तुम एक बैल के साथ कैसे खेती करता है? मतलब दो बैल है ये? ध्यान से देखो। ऐसे रिएक्शन नहीं देने, मेरा मतलब एयर रिंग देखो इसकी। देखो मैडम, तू अलग से हंसा कर, तेरे को जब सब हंसते हैं साथ में हंसा कर फुटेज लेती खाने का। देखो वैसे आपने तुक्का मारा, लेकिन बैल मेरे पास एक ही पीछे बंधा हुआ है। Okay. पहले मेरे पास दो थे, अभी एक को तबले का काम मिल गया। तेरे को नहीं बोल रहा बाबा, एक तू ही थोड़ी ना तबला बजाता, बड़े लोग हैं। Shut up. अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, ये तुम्हारे खेत में ये आदमी जैसा कौन है? ये बदतमीज फिर पजामा नहीं पहन के, हट। ये मैडम आदमी ही है। एक्चुअली पता क्या है, इधर आओ। जैसे हम लोग खेती करते हैं, गर्मी में हल चलाते हैं, पसीना निकलता है, पंछी आते हैं हमारी फसल ले जाए, बर्बाद कर देते हैं। सेम लाइक कॉमेडी सर्कस। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप एक बर्ड की तरह, वन बर्ड विदाउट एनी बर्ड टेकिंग 3 लाख। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बर्ड भगाता है? या ओके। एंड तुम अपने खेतों में कुछ दवाई डालते हो कीड़े भगाने की? नहीं, कीड़े नहीं, वो नहीं डालते। No? वो तो हम पाजी को बुला लेते हैं संडे के संडे। ये खेत में घूमते हैं ना, कीड़े अपने आप भाग जाते। पिछली बार तो अकेले घुस गए थे खेत में, 10,000 कीड़े मेरे घर आए, कहते जाओ उधर सुरेंद्र घुसा हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। तुम अपने खेतों में क्या क्या उगाते हो? बड़ी तरह की खेती करते मैडम हम लोग। जैसे? गेहूं, अनाज, गाजर, मूली। मूली? मूली क्या होता है? मूली, मूली व्हाइट गाजर। तुम इसको कैसे उगाते? ये मूली तो मैडम ये रिसाइकल, हम लोग मूली का बीज लेता, उसको मिट्टी में दबोता। ओके। मूली निकलता, हम मूली खाता, फिर मूली निकलता। मूली इज ए वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल। सपोज आपको फिल्म देखने जाना, वहां पे लाइन लगा, भीड़ है, 2 घंटे पहले 2 पराठा खा जाओ, लाइन में लगो, भीड़ की माँ की आंख। देखो तुम बहुत ही बकवास बातें करते हो, तुम बिल्कुल झूठे हो, मुझे तुम्हें कोई पैसा नहीं देना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो मैडम। देखो मैडम, मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरी छोटी छोटी 2 बीवियां हैं, भूखी मर जाएंगी मैडम, पैसे देके जाओ मेरे को। तुम एकदम झूठे हो, तुम बिल्कुल गरीब नहीं हो, इतना बड़ा खेत है, इतनी बफेलोज है, और कहाँ बफेलो मेरे पास। ये कहे कि बबैलो, बबैलो हमारे पास एक ही थी, सिद्धार्थ यादव को दे दी हमने, दूसरी नहीं आई, इन्होंने मंत्रा को दे दी। मेरे पास तो कोई बबैलो नहीं मैडम। और ये क्या है? ये तो मैडम बकरी है। बकरी? या मेरी प्यारी बकरी। या बकरी तो कभी सुना नहीं, ये क्या होता है? होता नहीं है ये। कुछ नहीं? ये होती है, होती ये दिस इज ए बहु बेटी टाइप आइटम। जैसे ये बकरी है, अगर तो रोड पे घूम रही है तो घूम रही है, घूम रही है तो बकरी पकड़ी गई तो डिनर। I'm just confused, गाय, बकरी, भैंस। कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, देखो ये डिफरेंस है, सेम इंसानों जैसी बात है। जैसे okay. ये बकरी, सपोज दैट गाय इज बकरी, ओके, यू नो, नो टैलेंट, फोका मेकअप, इधर उधर प्रॉम्प्टर पे लाइनें लिखी, इधर खड़ी होके बकरी बकरी बस है। भैंसा इज लाइक VIP। कलर छूटा, पैसा वापिस। एंड गाय मेरे पास भी है नहीं, गाय गाय इज लाइक माही बिच, यू नो, भोली बाली गाय, दिखने में सोबर, परफॉर्मेंस में जितना हो सके मैक्सिमम गोबर। माही बिच प्यारे इंसान, प्यारी गाय, भोली गाय, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, एक्ट अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, पता नहीं चलता। ये वाली माही और क्रिकेट वाला माही, दोनों के दिन बुरे चल रहे हैं। वो परफॉर्मेंस देने बाहर गया है,
ये परफॉर्मेंस दे के बाहर जाएगी. वन सेकेंड, आई एम रियली कंफ्यूज. आप बस चुप रहिए, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा कीजिए. ओके लिसन, मैं आपको 1 लाख रुपीज देगी और आप बाहर जाके बोलेंगे मैंने आपको 10 लाख रुपीज दिए. आप 1 लाख भी मत दो, मैं जो कहता हूँ वो दे दो, मैं कहूँगा 1 करोड़ रुपए दिए. नहीं नहीं, मेरे को सिटीजनशिप दे दो रशिया का. उससे क्या होगा? उधर जाऊंगा मैं, उधर से लड़की बन के आऊंगा, रशियन लड़की, इधर आके पैसा कमाऊंगा मैं. 15,000. Oh, shut up. अरे 15,000 किराया लगता है इधर आने का. देखो मैडम मेरी बात सुनो, आजकल इंडिया ऐसा देश नहीं रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है. That's a joke. ये कोई जोक वो कोई नहीं, नहीं यकीन आता ना. इन दोनों को करोड़ करोड़ रुपए रिश्वत दे के देख लो. Okay. अगर फिर भी तुम्हारी तारीफ कर जाए तो समझना ये भ्रष्ट है. तालियों की बरसात हो रही है और यहाँ पे हमने इतनी हंसी. अर्चना आप तो इतना हंस रही थी, वो गोना फॉल ऑफ द चेयर आई थिंक. एंड आई एम गोना फॉल ऑफ द चेयर अगेन. वन सेकंड. बहुत दिनों बाद एक जज्बा अंदर से जागा कि आई हैव टू गो ऑन द स्टेज. हालांकि मेरे हाथ में माइक नहीं था तो मैं बोल नहीं सकी वहां पर. मैं बहुत हंसती हूँ भाई, इस टीवी पर सब लोग देखते हैं, लेकिन आज तुम्हारे एक्ट में कपिल जितना मैं हंसी हूँ वो पिछले 10 एपिसोड्स का क्यूमुलेटिव हंसी है. यू वर एब्सोल्यूटली सुपर्ब. ईच टाइम आई सी यू आई फील दैट कॉमेडी सर्कस, मी and the viewers are blessed that you perform for us. Thank you. Thank you. Sahil, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब आज की हिस्ट्री जानते हैं कि आज ये 5 बजे की शिफ्ट थी शाम की, फिर 7 बजे हुई, फिर 9 बजे हुई और फिर हम लोग सेट पे 11 बजे आए. तो मैंने क्रिएटिव टीम से ये कहा था कि यार अगर आज हमको स्टेज पे नहीं जाना है तो मैं अपने कपड़े पहन के आ जाऊँगा. तो मैं अपने कपड़े पहन के आ गया क्योंकि ये टेबल के आगे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए कपिल एंड फॉर यू. थैंक यू सर. यू नो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना शुरू किया, सो माय फादर गिव मी एन एडवाइस, बेटा बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं एंड बहुत सी टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में, बट हाफ द बैटल इज वन इफ यू लुक द कैरेक्टर्स. जब आप दोनों आए, हाफ द बैटल इज वन बिकॉज यू लुक लाइक अ मिस वर्ल्ड एंड यू लुक लाइक अ किसान एंड योर एक्सेंट, योर डायलेक्ट एंड देन द स्क्रिप्ट एंड योर टैलेंट, फैबुलस, फैबुलस. थैंक यू सो मच. चलिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन आप दोनों एक साथ स्कोर दे दीजिए प्लीज. 11 points and